गाजियान्टेप में इस समय देर रात एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रात बहुत हो चुकी है और आमतौर पर रात में ऑपरेशंस को रोक दिया जाता है, लेकिन इस समय रात में भी ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि 6 दिन बीतने के बाद हर मिनट या यूं कहें हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बड़ी इमारत को अगर आप देखें तो इस बहुमंजिला इमारत में 40 से 50 लोगों के फंसे होने की खबर पहले दिन से आ रही थी। और इस समय यह ऑपरेशन रात में भी इसलिए चल रहा है क्योंकि कोशिश यही है कि अगर कोई जीवित है तो उसे अभी ही निकाल लिया जाए। खबर है, उम्मीद है कि कोई जीवित है। और अगर आप इसीलिए यहाँ देखें तो एक एम्बुलेंस अभी स्टैंड बाय पर यहाँ रखा भी गया है, एक एम्बुलेंस यहाँ पर है और गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। क्यों? ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। और इस मिशन के लिए, इस बहुत ही कठिन मिशन के लिए, मैं आपको थोड़ा सा इस एम्बुलेंस के इस पार लेकर आता हूँ। इस कठिन ऑपरेशन के लिए इस समय एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है क्योंकि एनडीआरएफ के पास स्निफर डॉग्स हैं। हम जूली और रोमियो के बारे में आपको बता भी चुके हैं। तो इस समय अगर आप वहां देखें तो ऊपर अभी भी इस इमारत के अंदर वो ऑपरेशन चल रहा है और परिजन भी अब ऊपर जा रहे हैं, उनसे अब रुका नहीं जा रहा है। आप देखिए जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो तो ऊपर है ही, लेकिन रेस्क्यू वर्कर्स के साथ साथ परिवार के सदस्य भी लगातार ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि अगर यहाँ पर उम्मीद है तो हर संभव प्रयास किया जाए और जीवित निकाल लिया जाए लोगों को। अगर आप यहाँ भी आकर देखें तो ये एम्बुलेंस इस समय यहाँ स्टैंड बाय पर रखी गई है, क्रेन यहाँ पर ऑपरेशनल है, एनडीआरएफ की जो टीम है यहाँ पर अगर आप देखें तो वो ऊपर भारत की टीम के साथ साथ टर्की की टीम दोनों एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कोशिश उनकी यही, उम्मीद उनकी यही कि समय रहते लोगों को बचा लिया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो परिवार के सदस्य भी यहीं पर हैं और उनका प्रयास यही है कि किसी भी तरह जान बच जाए लोगों की। टर्की में जो आंकड़ा है वो मौत का लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियान्टेप में देर रात ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और मेरे साथ ऑपरेशन टीम के लीडर्स सारे एक साथ है। ये टर्की की टीम भारत की टीम इस तरह से ये एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अभी अभी कुछ एक आवाज उठी थी, एक टेक्निकल, ये जो आप आवाज सुन रहे हैं टेक्निकल सर्च जी, इससे पहले एक कैनाइन सर्च की जा चुकी है, डॉग ने सर्च किया, जो गोल्डन रिट्रीवर एक डॉग था टर्किश टीम का, रेस्क्यू टीम का, उसने डॉग बार किया, उसके बाद उसे कंफर्मेशन कराया गया। जो लैब्राडोर हमारे पास डॉग है भारत की टीम के पास, उससे उन्होंने दोबारा कंफर्म कराया और अब टेक्निकल सर्च की तैयारी की जा रही है जिसमें डेल्सार यूनिट या लाइव डिटेक्टर टाइप 1 होता है जो एक्वेस्टिक सेंसर पे काम करता है, लेकिन उसके लिए कंप्लीट साइलेंस चाहिए, नो एनी मशीनरी, कोई मशीनरी काम नहीं करेगी, हमारे पैरों की आवाज नहीं होनी चाहिए, तो उस समय सब बैठ जाते हैं। उसकी तैयारी की जा रही है, थोड़ी देर में टेक्निकल सर्च शुरू किया जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा स्लैब वहां से हटाया जा रहा है। द टर्किश टीम इज डूइंग द अकूस्टिक सर्च, द साउंड सर्च। Öncelikle ülkem, memleketim ve kendim adıma size çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayıp yanınızda olduğunuz için. Burada güzel bir iş çıkarıyoruz birlikte. Burada hep beraber ekip olarak arama kurtarma çalışması yürütüyoruz. Biz Ankara'dan geldik, siz Hindistan'dan geldiniz. Hep beraber kenetlendik ve burada bir iş yapıyoruz. Dün burada 3 tane canlımız vardı. Birisi kadın, ikisi onun çocuğu olmak üzere. Bununla çok gurur duyuyoruz. Umudumuz kaybetmedik, devam ediyor. Uğraşmaya devam ediyoruz. कमरान दीपक, आप इस इंडियन टीम के लीडर हैं, टर्किश टीम के साथ किस तरह से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं जो अभी समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं? इस ऑपरेशन में हम सुबह 6:30 बजे से लगे हुए हैं और अभी तक अनफॉर्चुनेटली 4 डेड बॉडीज हम लोग ज्वाइंटली निकाल चुके हैं। एक तो हमने सिंगल ही निकाली थी और उसके बाद अभी ये लाइव विक्टिम का सिग्नल हमको जो है दिन में भी मिला था, लेकिन बहुत ज्यादा रबल होने के कारण एकदम से उसको निकालना पॉसिबल नहीं था। तो सारा रबल हटाने के बाद दोबारा कन्फर्मेटेड है कि हमारे डॉग रैम्बो ने भी की और उसके बाद ये जो लैब इनका जो गोल्डन रिट्रीवर है टर्किश, उसने भी इसको कंफर्म किया है। तो होपफुली हम एक लाइव विक्टिम को निकालने में असंभव होंगे। और जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात है तो दोनों ही टीमें बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, जैसा कि अभी रिक्वेस्ट वो एक टर्की के कर्नल ऊपर जो है उन्होंने की थी कि सभी टीम्स नीचे चली जाएं, तो उसी के तहत हम लोग सब नीचे आ गए हैं क्योंकि उससे एकॉस्टिक सेंसर्स को डिस्टर्ब होने का चांसेस रहता है।
अकूस्टिक सेंसर्स यानी अब मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये पता लगाने के लिए कि क्या सतह के नीचे अभी भी 6 दिन और 6 रात के बाद कोई जीवित है। और उम्मीद की किरण क्यों यहाँ जाग रही है कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस को बुलाया गया है, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। कई बार लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस नहीं शव वाहन को लाने की आवश्यकता है तो उससे थोड़ी निराशा की लहर होती है, लेकिन अभी सबके चेहरों पर एक हल्की सी उम्मीद की किरण है कि जितनी मेहनत यहाँ पर लगातार भारत और टर्की की टीम ऑपरेशन दोस्त के तहत कर रहे हैं तो किसी की जान बच जाए तो उससे इस मिशन को बेहद सफल माना जाएगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, गाजियांटेप, टर्की, आज तक।